रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर में अग्निशमन विभाग बढ़ती गर्मी को देखते हुए आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। हमीरपुर के हथलीगढ़ स्थित अग्निशमन कार्यालय हर समय आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए पूर्ण तरह से तैयार रहता है, जिसके चलते जिला में जनवरी से लेकर अब तक 22 करोड़ की निजी व सरकारी संपत्ति को जलने से विभाग द्वारा बचाया गया है। हमीरपुर के अग्निशमन विभाग बढ़ती गर्मी को देखते हुए आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। हमीरपुर के हथलीगढ़ स्थित अग्निशमन कार्यालय हर समय आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए पूर्ण तरह से तैयार रहता है, जिसके चलते ही जिला में जनवरी से लेकर अब तक 22 करोड़ की निजी व सरकारी संपत्ति को जलने से अग्निशमन विभाग ने बचाया है। हमीरपुर जिला में आगजनी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है और जनवरी से लेकर अब तक जिला में आगजनी घटनाओं से करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हुई है। आपको बता दें कि हमीरपुर अग्निशमन कार्यालय के पास 20 से 25 किलोमीटर का दायरा आता है और विभागीय कर्मचारियों की मुस्तैदी के चलते जिला में आगजनी की घटनाओं पर समय पर काबू पाया जा रहा है, जिस कारण जानी नुकसान अब तक नहीं हो सका है। जिला फायर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि हमीरपुर में आगजनी से 65,70,000 की संपत्ति जलकर राख हुई है, तो वहीं अग्निशमन विभाग द्वारा करीब 22 करोड़ की सरकारी व निजी संपत्ति को जलने से बचाया है। जिला में अब तक 44 केस आगजनी के अग्निशमन विभाग के पास दर्ज हुए हैं, जिनमें से 40 आगजनी की घटना के थे और 4 केस रेस्क्यू के थे। जो है वो जनवरी से लेकर जो है वो आज दिन तक जो है हमारे पास 44 केसेज आए हैं, जिसमें 40 केस जो है हमारे फायर के हैं और उसमें 4 जो है रेस्क्यू कॉल्स हैं, है नहीं? और उसमें टोटल जो अप्रोक्सीमेटली लॉस हुआ वो 65,70,200 का नियर अबाउट ये प्रॉपर्टी लॉस हुआ है और 22,03,50,000 के अनुमान जो है वो सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को उसमें बचाया गया है। मेन संदेश यही है कि आग से बचने के लिए जो है वो आग को बुझाने से बेहतर है उसके बारे में जो है वो प्रिकॉशन ली जाए, तो किसी भी तरह के हम बिजली के उपकरण हों या ज्वलनशील पदार्थ हों या LPG का सिलेंडर हम घर में चूल्हा यूज करते हैं या केवल खुले चूल्हे यूज करते हैं, गौशालाओं के नज़दीक पशुओं को धुआं डालने के लिए आग जला देते हैं, तो इन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल अपनी प्रजेसेशन में करें। अब अगर इनको अपनी आँख से ओझल होने दिया तो ये कभी भी कुछ भी हवा चली तो थोड़ा सा कहीं चिंगारी गए भी जा सकती है। आजकल जो है हर चीज़ जो है सूखी हुई है, तापमान पहले बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी मारी सी चिंगारी जो है वो एक विकराल रूप ले सकती है। LPG के सिलेंडर को यूज़ करने के बाद तुरंत बंद करें। जितने भी हमारे बिजली के उपकरण हैं उनकी खुली तारें ना हो, नंगे जॉइंट ना हो और कहीं मतलब एक्सटेंशन भी उतनी कर की जाए जितनी हमारे पास है उसकी उसका लोड का कैपेसिटी हो। अदरवाइज की एक बार क्या करते हैं कि हम एक प्लग से चार चार जगह जो है कई फंक्शनों में ले लेते हैं, कोई फंक्शन चला हो तो उसमें भी ऐसा कर देते हैं हम, तो उस चीज़ से जो है ओवरलोडिंग से बचें और समय समय पर उनके उपकरणों की जांच करें और ज्वलनशील पदार्थों से बच्चों से उनको दूर रखें और उनका स्टोरेज भी कोई उचित स्थान पर करें ताकि किसी तरह का कोई इंसिडेंट हो तो उसे हम आसानी से वहाँ से रिमूव करके अधिक ज़्यादा नुकसान को उनसे बचाया जा सके।